जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय की समस्त न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। ग्राम न्यायालय बाड़मेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायाधिकारी सौभाग्य सिंह चारण व अन्य न्यायाधीशों ने उपस्थित रहकर कई मामलों का निस्तारण किया। इस दौरान कई अधिवक्ता और दोनों पक्षों के परिवादी मौजूद रहे। ऑनलाइन ऑफलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें कुल 1842 मामलों का निस्तारण कर अवार्ड राशि कुल 4,93,63,577 रुपये पारित की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के दिशा निर्देशानुसार द्वितीय शनिवार को बाड़मेर एवं चौटन स्थित सभी न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, किशोर न्याय बोर्ड व उपभोक्ता मंच बाड़मेर में ऑनलाइन ऑफलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बाड़मेर एवं चौटन स्थित न्यायालयों में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हुए गठित बैचों के अध्यक्ष के रूप में पीठासीन अधिकारी अशोक चौधरी, न्यायाधीश मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बाड़मेर नरेंद्र कुमार, विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति डॉक्टर मनोज जोशी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या ए बाड़मेर शंकरलाल पुरोहित, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता मंच बाड़मेर राजेंद्र साहू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल चौधरी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक अंबिका सोलंकी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो बाड़मेर नवीन रत्नू, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड बाड़मेर विनस चौधरी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर आदित्य, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चौटन शालिनी चौधरी, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक बाड़मेर हिमानी कछवाहा, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो सौभाग्य सिंह चारण, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बाड़मेर के अलावा बैचों के सदस्यगण एवं उपभोक्ता मंच के सभी लंबित राजीनामा योग्य मामले कुल 1842 मामलों में आपसी समझाइश से राजीनामा करवाकर फैसले हुए। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान SBI की समस्त शाखाएं, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ICICI, BSNL की ओर से वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं न्यायालय के राजस्व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।